नमस्कार, मैं हूं रविंदर तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया स्टेट टाइम्स। डीएलएफ सीआईओ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दो साल पहले हुए डबल मर्डर केस को सीआईए ने सुलझाया है और मेरे साथ एसआई हैं, उनसे बात करेंगे। ब्रह्म प्रकाश जी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। सर बताइए, क्या मामला था पूरा? हमने श्याम सुंदर उर्फ सम्मू सन्नूप अवतार सिंह निवासी नहर पार इंदिरा कम्प्लेक्स भारत कॉलोनी को कल गिरफ्तार किया है हमारी टीम ने, जिसने काफ़ी वारदातों को अंजाम दिए हुए हैं। जो हमारे पास कुल इसके मुकदमे अभी तक 13 मुकदमों में वांछित अपराधी है। ये 5-6 लड़के रखता है, उनको हायर करता है और ये वारदात को अंजाम दिलाता है। जो मास्टरमाइंड है शंभू है। शंभू ने 2013 में एक सरपंच के साथ वारदात की थी, जिसमें भी ये भगोड़ा घोषित किया हुआ है, जिस पर SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज है। दिवाली 30/11/2016 को इन्होंने 3 वारदात को अंजाम दिलाया था। जो पदम नगर में इसके जो साथी थे उनको असला व विकल मुहिमा करा करके इसने भेजा था। डबल मर्डर केस में कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कितने रह गए हैं अभी? 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो शंभू है हमने अरेस्ट किया है, ये भगोड़ा घोषित किया हुआ था। कितने साल से फरार था सर ये? 3 साल से फरार था। तो सर पुलिस को इतनी बड़ी कामयाबी कैसे सुराग लगा कि ये अपराधी यहाँ घूम रहा है या यहाँ पे है? ये हमारे DCP क्राइम साहब ने नवीन परासर जो हमारे इंचार्ज हैं उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की और मुखबर की सूचना पर हमने इसको पकड़ कर कामयाबी हासिल की है। क्या नाम है आपका? शम्मू। पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया आपको? मर्डर केस में। आपने किया है मर्डर केस? आज ही गलती से हो गया। कैसे ये आप इस तरह के जो वारदातों को अंजाम देते आ रहे हो? 2012 से। तो कहाँ से ये इस तरह का माहौल था आपका, या फिर किसी ने आपको इस तरह के काम करने पर प्रोत्साहित किया था? बस ऐसी गलती से हो गई। अच्छा, आप कई 13 मामलों में वांछित हैं पुलिस बता रही है, तो आपको मलाल है अपने मन में कि इन सब चीज़ों को लेकर ये काम नहीं करना चाहिए, या कोई मलाल नहीं है आपके मन में? अफसोस है? आज थोड़ा। कहाँ के रहने वाले हो आप? अमृतसर, भारत कॉलोनी। पंजाब। कितने साथी मिलकर आप वारदातों को अंजाम दिया करते थे? 6-7 हैं। खबर में फिलहाल इतना ही। आपको हमारी खबर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें।